यार पढ़ने में मैं बहुत ख़राब था। इवन ग्रेजुएशन में मेरा सेकेंड आया हूँ, तो इससे आइडिया लगा सकते हो कि मेरी स्कूलिंग या एकेडमिक बहुत अच्छा नहीं था। हालांकि यूपीएससी की तैयारी में काफ़ी मेहनत की है। बोर्ड तो 24 सर का था, 5 मेंबर्स थे, 5 लोग। क्वेश्चन जैसे एक ये था कि हर राग की तीव्रता कितनी होती है, जैसे कि 7 राग होते हैं अपने भारतीय संगीत में, तो 7 राग में हर राग की तीव्रता कितनी होती है। तो इसमें सॉरी बोलना पड़ा क्योंकि मैं इतना प्रिपेयर्ड। मीडियम हिंदी है, ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है। फिल्म्स के लिए तो देखो कुछ तो बुक्स होती हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई, और जैसे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया तो पता चला एंशियंट मिडाइवल्स इतने टफ क्वेश्चन आते हैं कि आप उसके लिए कितना भी पढ़ो आउट ऑफ रेंज होते हैं। और आपको रिकग्नाइज करना पड़ता है कौन से सब्जेक्ट में कौन सा पोर्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम बात करें पॉलिटी की, पॉलिटी में पार्लियामेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और जैसे कि लक्ष्मीकांत का पीछे का लगभग 20-30% जो पोर्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड होता है, वहाँ से क्वेश्चन उतना नहीं आता। सबसे ज़्यादा जो काम करने की ज़रूरत है वो आंसर राइटिंग ही है। आंसर राइटिंग में आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने की ज़रूरत है। हिंदी मीडियम में अक्सर हम जो स्कूल में या कॉलेज में एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखते थे वो नहीं लिखना है, पॉइंट फॉर्म में लिखना है पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने जो बोला कि इंग्लिश के वर्ड होते हैं हिंदी में बहुत लेंदी हो जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसका हिंदी ट्रांसलेट करने बैठे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। यदि आप यूपीएससी 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन में मनी कोई बाधा और कठिनाई नहीं बनेगी। प्रेपलैडर एप्लीकेशन के द्वारा आपको यूपीएससी 2023 की बहुत ही कम प्राइस में क्लासेस करवाई जा रही है। इस एप्लीकेशन पर आप सबके लिए बेस्ट टीम और स्ट्रक्चर और कंटेंट है। यहाँ पर आपको 500 घंटों से भी अधिक वीडियो लेक्चर, 7000 से अधिक क्वेश्चन बैंक, मॉक टेस्ट, प्रेप टेस्ट और भी तमाम यूपीएससी स्टडी मटेरियल। इस पर आप सभी के यूपीएससी का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा और इंडिया की टॉप फैकल्टी द्वारा, साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में मीडियम में। आज के समय में इतने कम प्राइस में आपको इतना अच्छा कंटेंट मिलना बहुत ही मुश्किल है। हम जानते हैं कि कंटेंट बहुत ही शानदार है, फिर भी यकीन मत करो। आप सबसे पहले 24 हॉर्स एन की क्लासेस देखो फ्री में कोड SU इस्तेमाल करके, और साथ ही साथ 500 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए आप हमारा कोड SU इस्तेमाल करना ना भूलें। तो देरी किस बात की, आज ही सब्सक्रिप्शन लें और अपनी UPSC की जर्नी को शानदार और बेहतरीन बनाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। में अभी एक सर जो है UPSC का इंटरव्यू देखने के लिए हैं, सर से जानेंगे कि सर से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं और सर का जो है कि कौन सा बोर्ड था और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सर आपसे रिजल्ट के बाद सर मिलेंगे, रिजल्ट के बाद सर। और जो है कि सर कैसे, सर की कैसे स्ट्रेटेजी थी और सर को मतलब कि किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन और सर ने कैसे फेस किया था इंटरव्यू को। सर सबसे पहले सर इस बिल्डिंग में आने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन सर। सर आपका नाम सर और एकेडमिक बैकग्राउंड। मेरा नाम राघवेंद्र है और ग्रेजुएशन मैंने साइंस बैकग्राउंड रखा ग्रेजुएशन में, और फिलहाल मैं वर्किंग हूँ तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही। तो सर हमें होम मिनिस्ट्री। सर आप सर एकेडमी के दिनों में सर कैसे थे, पढ़ाई लिखाई में सर कितने, जैसे क्वालिटी सर आप सर्विस में है सर, पढ़ाई लिखाई में ये कहा जाता है जो इस बिल्डिंग में आता है प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाइड करके आता है सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। सर एकेडमी की बात करिए, सर पढ़ने में इंटेलिजेंट थे कैसे थे? यार पढ़ने में मैं बहुत ख़राब था। इवन ग्रेजुएशन में मेरा सेकेंड आया हूँ, तो इससे आइडिया लगा सकते हो कि मेरी स्कूलिंग या एकेडमिक बहुत अच्छा नहीं था। हालांकि UPSC की तैयारी में काफ़ी मेहनत की है और उसी का ये रिज़ल्ट है कि आज इंटरव्यू दे रहा हूँ। सर कौन सा सर बोर्ड था सर, उसमें कितने मेंबर थे सर? बोर्ड तो 24 सर का था, 5 मेंबर्स थे, 5 लोग थे। सर आपके सर डेप में सर क्या था और डेप से सर किस किस टाइप से सर क्वेश्चन पूछे गए? डेप में तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में तो आपको बता ही चुका हूँ, बाकी हॉबीज़ में जैसे था नेचर ट्रैवलिंग और ये सब कुछ। हॉबीज़ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, हालांकि एक हॉबी पर क्वेश्चन आया था, जैसे मेरी हॉबी है पियानो, प्लेइंग पियानो, तो उस पर 2 बोर्ड मेंबर ने क्वेश्चन पूछे और काफ़ी डीप में जाकर क्वेश्चन पूछे जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। क्वेश्चन जैसे एक ये था कि हर राग की तीव्रता कितनी होती है, जैसे कि 7 राग होते हैं अपने भारतीय संगीत में, तो 7 राग में हर राग की तीव्रता कितनी होती है, तो इसमें सॉरी बोलना पड़ा क्योंकि मैं इतना प्रिपेयर्ड नहीं था। और हर राग का कनेक्शन क्या होता है, तो मतलब नहीं बता पाया था। सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट सर और मीडियम सर क्या है? मीडियम हिंदी है, ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है, तो
ओके सर, मीडियम सर हिंदी है सर, हिंदी मीडियम सर कम रिजल्ट होता है सर, मतलब ऐसा सर इस समय ट्रेंड चल रहा है सर, यहाँ बहुत बड़ी बात है सर। सर आपके सर स्टार्टिंग के सर दिनों के सर, जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं हिंदी बैकग्राउंड से हैं सर, स्टार्टिंग के दिनों में सर आपके सर रिसोर्सेज क्या थे सर, खासकर सर प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए तो देखो कुछ तो बुक्स होती हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई, और जैसे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया तो पता चला एंशियंट मेडाइवल्स इतने टफ क्वेश्चन आते हैं कि आप उसके लिए कितना भी पढ़ो आउट ऑफ रेंज होते हैं, फिर मैंने वो पढ़ा ही नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, इसके अलावा ज्योग्राफी के एनसीईआरटी, और इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक से क्वेश्चन जो आते हैं यूजुअली आप जो करंट टाइम पर देख रहे हैं, जैसे आप अभी आपने कैमरा देखा, ये माइक, इसमें किस तरीके की टेक्नोलॉजी हो रही है, जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था वीआर टेक्नोलॉजी के बारे में आया था, जैसे अभी 5G की बात हो रही है तो मे भी हो सकता है 5G के बारे में क्वेश्चन आ जाए, तो करंट डेली लाइफ में जो हम देखते हैं क्वेश्चन मेनली वहीं से आते हैं, तो उसके लिए बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, करंट अफेयर्स में जो चल रहा है उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। सर आप सर्विस भी सर कर रहे हैं ऑलरेडी सर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में सर, और सर टाइम सर आपके पास कहीं ना कहीं टाइम की सर कमी रहती होगी सर, तो कितना घंटे सर आप पढ़ाई करते थे? स्टूडेंट के माइंड में कंसेप्ट होता है कि 18 घंटे पढ़ोगे तो ही पीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक होगा, सर इसके पीछे सर रियलिटी क्या है, आप सर कैसे टाइम को मैनेज करते थे? देखो कि एक तो ये हार्ड वर्किंग वाला तो चला गया, एक टाइम था जब आप 18 घंटे पढ़ के कोई एग्ज़ाम, अब भी स्मार्ट वर्किंग करना पड़ता है और आपको रिकग्नाइज करना पड़ता है कौन से सब्जेक्ट में कौन सा पोर्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हम बात करें पॉलिटी की, पॉलिटी में पार्लियामेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो बेटर है कि आप उस पर ज़्यादा काम करो। और जैसे कि लक्ष्मीकांत का पीछे का लगभग 20-30% जो पोर्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज रिलेटेड होता है, वहाँ से क्वेश्चन उतना नहीं आता है, तो ज़बरदस्ती वहाँ माथापच्ची करने क्या फ़ायदा, तो जहाँ से ज़्यादा आ रहा है वो पढ़ो, और पुराने जो रिसोर्सेज होते हैं मोटी मोटी बुक मुझे लगता है वो नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, और लिमिटेड बुक हो बार बार पढ़े तो वो ज़्यादा सही है। सर आपको सर लगता है कि सर हिंदी मीडियम में सर बहुत ही एडवांस टाइप का सर कंटेंट सर मटेरियल है सर, सर हिंदी में सर मटेरियल्स की बाढ़ है जिससे सर क्वालिटी कहीं भी ना कहीं सर कम है, तो सर आप सर आपकी नज़र में सर अगर ये कहा जाए कि जो नया स्प्रिंट है सर कंटेंट को सर पिक करना है तो सर किससे कैसे वो मतलब टेक्निक्स होना चाहिए कि जिससे कंटेंट हम उठाएं मार्केट से हिंदी मीडियम खास करके? देख अगर विजन आईएएस का अगर मैं बात करूँ कंटेंट उसका अच्छा माना जाता है, इसके बाद दृष्टि आईएएस का भी कंटेंट अच्छा है, तो विजन आईएएस का जो कंटेंट है उसमें हिंदी और इंग्लिश में ज़रा सा भी अंतर नहीं है, जो इंग्लिश का कंटेंट होता है अक्सर जो इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट हैं वो विजन आईएएस के मटेरियल को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, आप भी जानते होंगे इस चीज़ को, तो जो इंग्लिश में कंटेंट है वही हिंदी में, कोई उसमें भेदभाव नहीं है, दृष्टि आईएएस का भी कंटेंट ठीक है तो कोई भेदभाव नहीं है, तो मुझे लगता है कि इन दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट का अगर आप करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ रहे हैं या अदर जीएस का नोट्स पढ़ रहे हैं तो ठीक है आप इनका उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सर आंसर राइटिंग स्किल की बात करी जाए तो उसमें सर होता ये है कि इंग्लिश का कोई वर्ड होता है सर उसके मायने सर लंबे निकलते हैं, सर हिंदी में सर लिखने में सर कहीं ना कहीं स्टूडेंट सर पिछड़ जाते हैं, तो सर आंसर राइटिंग पर सर कैसे काम करना होता है सर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट का सर क्या करना चाहिए? सबसे ज़्यादा जो काम करने की ज़रूरत है वो आंसर राइटिंग ही है, आंसर राइटिंग में आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने की ज़रूरत है। हिंदी मीडियम में अक्सर हम जो स्कूल में या कॉलेज में एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखते थे वो नहीं लिखना है, पॉइंट फॉर्म में लिखना है पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने जो बोला कि इंग्लिश के वर्ड होते हैं हिंदी में बहुत लेंदी हो जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसका हिंदी ट्रांसलेट करने बैठें, अगर इंग्लिश के वर्ड हैं तो आप उनको देवनागरी फॉर्म में ही स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर सीसेट सर बहुत बड़ा हर्डल्स माना जाता है हिंदी मीडियम वालों के लिए, सर उस पर सर आपने कैसे काम किया? सीसेट सिर्फ हिंदी मीडियम्स के लिए हर्डल नहीं है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, हिंदी मीडियम्स के लिए इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव कई बार समझ में नहीं आते, उनकी लैंग्वेज ज़्यादा टफ होती है, तो जिनका बैकग्राउंड मैथ या साइंस का है उनके लिए तो मुझे नहीं लगता है कि मैथ या रीजनिंग में बहुत काम करने की ज़रूरत है, उनको काम करने की ज़रूरत है कॉम्प्रिहेंशन पर, तो उसकी प्रैक्टिस करें, अभी एक महीना है पीटी का, और जिनका मैथ और रीजनिंग का भी मतलब वहाँ हाथ कमज़ोर है तो उनको एक महीने में थोड़ा इस पर भी काम करना चाहिए साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन पर, क्योंकि एक चीज़ को लेकर हम सीसेट नहीं क्रैक कर सकते हैं। सर इंग्लिश मीडियम वाले जो भी सर स्टूडेंट होते हैं वो सर कहीं ना कहीं सर कन्वेंट स्कूल से पढ़े होते हैं सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से, सर हिंदी मीडियम वाले सर मैक्सिमम बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड राजस्थान बोर्ड हरियाणा बोर्ड सर, जिसकी सर शिक्षा का स्तर सर उतना सही नहीं है, और सर उसे सर कम्पीट करना IITian के साथ सर, उसके बाद में सर मेडिकल वाले स्टूडेंट के साथ जो कन्वेंट से ऑलरेडी सर उनका बेसिक्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है सर, वो कैसे कम्पीट करें, खुद को कैसे मोटिवेट करें?
देखो एक कहावत है ना कि यार आप खदान पे हाथ, कोयले की खदान में हाथ डाल के काले होने से नहीं डरना है। आप अगर एक बार इस एग्ज़ाम में आ गए हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। हो सकता है एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट या ज़्यादा अटेम्प्ट लग सकते हैं। दूसरा कि ये नहीं देखना है कि कॉम्पिटिटर कौन है, आपको खुद को इम्प्रूव करना है आपको डे बाई डे। कल आप अगर 7.4 की रेंज में थे तो अगले एक महीने में आपको 7.5 या 7.6 जाना है। डजेंट मैटर कि आपका किससे कंपटीशन हो रहा है, आपको खुद से कंपटीशन करना है। खुद को अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करें, थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच रखें और जो नया चल रहा है उसे बार बार देखें। और आंसर राइटिंग जो बात हुई है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आंसर राइटिंग अगर आप उसमें अच्छा कर जाते हैं और मेंस में आप थोड़ा सा बढ़त ले लेते हैं, इंटरव्यू थोड़ा बहुत अगर ख़राब भी चला जाता है तो उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन है मेंस में अच्छा करिए आप। सर एक सर टीवीएफ की सर सीरीज आई थी सर एस्पिरेंट लाइफ कर, शायद सर आपने भी देखा होगा, जिसमें सर प्लान बी की बात होती है। सर आप सर ऑलरेडी सर गवर्नमेंट सर्विस में, सर अच्छे सर्विस में हैं, सर आपको लगता है कि मतलब प्लान बी रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत अनसर्टेनिटी है, इसके बारे में सर क्या कहना है आपका? प्लान बी होना चाहिए, एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहना मुझे नहीं लगता है सही है। आप 2-3 साल दे सकते हैं, अगर 3 साल से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप कोई ना कोई तो प्लान भी तैयार करके रखिए। आप खुद स्टार्टअप से डालना चाहते हैं या कहीं फ्रीलांसिंग काम करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, खुद के लिए एटलीस्ट करिए। बर्डन मुझे नहीं लगता है कि, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको बर्डन बन के रहना चाहिए फैमिली पर। तो सर लास्ट क्वेश्चन, सर 5 दिन में सर फिर से UPSC प्रीलिम्स होने जा रहा है। सर हम तो इस वर्ष से दुआ करते हैं आपको उसमें बैठने की नौबत ना आए, आप सिलेक्ट हो जाए इस अटेम्प्ट में। लेकिन सर जो बैठने जा रहे हैं जो सर एस्पिरेंट, सर उनके लिए सर क्या मैसेज है सर अभी से, मतलब क्या करें कि वो 5 जून का प्रीलिम्स जो है कि क्रैक कर सके? देखिए जो कोर सब्जेक्ट है ना, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और कहीं ना कहीं ज्योग्राफी, तो इन 4 सब्जेक्ट को तो अगले एक महीने में 3 से 4 बार रिविज़न करना ही करना है। साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट जैसे सब्जेक्ट के लिए आप ये है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप कंपाइलेशन ले सकते हैं। अगर 1 साल से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो विज़न IAS का जैसे PT 365 आता है आप वो उठा लीजिए, उससे ढंग से पढ़ लीजिए। और रिविज़न अगर आप इन 3-4 सब्जेक्ट में जो कोर सब्जेक्ट है उसमें अच्छा कर गए तो आपको करंट अफेयर्स का कुछ थोड़ा बहुत बेकार भी चला जाता है तो वो कंपनसेट हो जाएगा। तो बेटर है कि आप ट्रेडिशनल पोर्शन को पहले कंप्लीट कीजिए, जैसा टाइम बचता है उस हिसाब से आप PT 365 उठा लीजिए, वहाँ से जितना होना होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज तो फिर तो भाग और ऊपर वाला देखेगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस प्रेशियस टाइम सर।